नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 4 हमने पूरे कर लिए हैं। अध्याय संख्या 5 जिसका नाम है उद्योग, उसके बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर है उद्योग, वह द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाला व्यवसाय है। इससे पहले जो 4th चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कृषि के बारे में, जो प्राथमिक प्रकार था या प्राथमिक प्रकार की क्रियाएं थी धन को कमाने की। ठीक है, अब जो चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वह आर्थिक क्रियाओं का में द्वितीय क्रियाएं या विनिर्माण उद्योग के रूप में जानी जाती हैं। द्वितीय क्रियाएं या कह सकते हो विनिर्माण। देखिए, कोई भी उत्पाद है, कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल जो भी कोई भी है किसी भी प्रकार का, उसको उपभोग योग्य बनाकर, उपभोग योग्य बनाकर तैयार करना किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत या विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। यानी कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित करना। अब मान लीजिए जैसे कपास है, वो क्या है, एक कम रुपए वाली, इसके क्या है, कीमत कम है, दूसरा उपयोग भी क्या है, कम है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी उत्पाद को या फिर कह सकते हो कच्चे माल को उपभोग के योग्य बनाकर तैयार करना, यानी इसका धागा बनाना या फिर इसका कपड़ा बनाना या फिर रेडीमेड इसकी शर्ट या जो भी है किसी भी प्रकार का पहनने का जो वस्त्र है उसको तैयार करना। ठीक है, तो इस कच्चे माल से रूपांतरित करके उसको ज़्यादा उपभोग योग्य बनाना, ज़्यादा कीमती बनाना और ज़्यादा उपभोग योग्य बनाना किसके अंतर्गत आता है? हमारे विनिर्माण कार्यों के अंतर्गत या द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या है, उपभोक्ता इनका आसानी से उपयोग कर सकता है। ठीक है, अभी अपने चैप्टर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि विनिर्माण क्या है, किसी चीज़ को दोबारा से उसको निर्माण करके रूप में बदलाव करना क्या कहलाता है, उसका उपभोग योग्य उसको तैयार करना। तो ये सारी चीज़ें होती कहाँ पर है भाई, उद्योग के अंदर। यानी चाहे कागज़ बन रहा है लुगदी से, चाहे कपड़ा बन रहा है कपास से, ठीक है, मशीनें बन रही है लोहे से, तो ये सारी चीज़ें बनती कहाँ पर है, उद्योगों में बनती है। ठीक है, उद्योग का संबंध जो होता है वो आर्थिक गतिविधि से होता है और वस्तुओं की उत्पादन, उद्योग क्या होता है, वस्तुओं के उत्पादन का कार्य करता है, खनिज का प्रसंस्करण करना या फिर उसको निकाल के उपभोग योग्य बनाना। ठीक है, और तीसरा सेवाओं की व्यवस्था करना, सेवाओं की व्यवस्था करना। यानी इन शॉर्ट समझे तो उद्योग क्या होते हैं, एक प्रकार की आर्थिक गतिविधि होती है जिसके अंतर्गत क्या है, वस्तु को उत्पादन
वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, खनिज का प्रसंस्करण किया जाता है, यानी जिस कच्चे रूप में खनिज निकलता है, ऐशक के रूप में खनिज निकलता है, उस ऐशक को उपभोग योग्य बनाया जाता है और सेवाओं की व्यवस्था उद्योगों के द्वारा की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने बात करें तो लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, लोहा व इस्पात उद्योग यह क्या है, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। वहीं पर कोयले का खनन, कोयला खनन या कोयला उद्योग किससे संबंधित है, खनिज प्रसंस्करण से संबंधित है, और पर्यटन सेवा की व्यवस्था करने वाले उद्योग का एक उदाहरण कह सकते हैं अपने। तो उद्योग क्या है, इस प्रकार के कार्य करते हैं जिसमें क्या है, लोगों को सेवाओं की उपलब्ध हो, वस्तुओं का उत्पादन हो और खनिजों का प्रसंस्करण करके उनका उपयोग किया जा सके, ठीक है। तो अभी क्या है, अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों का वर्गीकरण, उसके ऊपर चलते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो तीन चीजों के आधार पर होता है। फर्स्ट वन इज कच्चे माल के आधार पर, सेकंड इज जो सेकंड रहता है अपना वो आकार के आधार पर, और जो थर्ड रहता है वह होता है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तीन प्रकार के उद्योग होते हैं या उनका वर्गीकरण जब किया जाता है तो उसको तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इसके तीन पार्ट्स अपने देख सकते हैं, चाहे वह कच्चा माल है, चाहे आकार के आधार पर उद्योग है, और चाहे वह स्वामित्व के आधार पर उद्योग है, ठीक है। अब इनको भी क्या है डिटेल से समझेंगे, पहले इनके भी क्या है जो भाग हैं उनको समझ लेते हैं। यानी कच्चा माल जो है उसके आधार पर भी क्या है कई उद्योग पाए जाते हैं, जैसे खनिज आधारित, या पहले तो देखते हैं कृषि आधारित, आधारित उद्योग, इसमें सेकंड खनिज आधारित उद्योग, इसका जो थर्ड रहता है, एक तो क्या है खनिज के ऊपर आधारित होता है और एक है कृषि पर, और इसके अलावा समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योग, ये सारे के सारे कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं, चाहे वे कृषि पे हो, चाहे वो खनिज पे हो, चाहे समुद्र पे हो, चाहे वो वन पे हो, तो ये सारे के सारे कच्चे माल के ऊपर आधारित तो रहने वाले उद्योग हैं। अगर बात करें अपने आकार के आधार पर तो इसमें दो प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। पहला लघु आकार के उद्योग, और द्वितीय पाया जाता है इसमें वृहत आकार के उद्योग, ठीक है। थर्ड वन जो है अपना स्वामित्व के आधार पर, उसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है, तीसरा जो पार्ट है अपना उसमें कई भाग रहते हैं, जैसे एक निजी स्वामित्व के उद्योग रहते हैं, दूसरे
सार्वजनिक उद्योग, इसमें तीसरा रहता है सहकारी, सार्वजनिक उद्योग, सहकारी उद्योग, संयुक्त क्षेत्र उद्योग, संयुक्त क्षेत्र उद्योग। तो इसके भी क्या है, स्वामित्व के भी अलग अलग प्रकार हैं। जिस प्रकार से कच्चे माल पर आधारित उद्योग है उसके चार पार्ट रहते हैं, आकार के ऊपर आधारित उद्योग है इसके दो भाग रहते हैं, और वहीं पर स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है उसके भी चार पार्ट रहते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर क्या है, उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है, इनको बांट कर समझा जा सकता है, ठीक है। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, किसी एक विस्तृत क्षेत्र को या विस्तृत विषय को बांट कर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर वर्गीकृत करके उसका गहन अध्ययन करना, क्या है, वर्गीकरण के द्वारा उसका गहन अध्ययन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अपना क्या है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कच्चे माल के उद्योग से। जो कच्चे माल के ऊपर आधारित रहते हैं उन उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, इसके अलग अलग प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा है। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रकार से, कृषि आधारित उद्योग। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, कृषि के ऊपर आधारित उद्योग है, यानी कच्चा माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। वनस्पति प्लस जंतु उत्पाद का उपयोग जिन उद्योगों में किया जाता है वह कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाद्य संसाधन, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र या डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग, चरम उद्योग जो होता है, चरम उद्योग। तो कृषि आधारित कच्चे माल के जो प्रकार हैं उसमें जो कृषि आधारित उद्योग है उसके अंतर्गत क्या है, मुख्यतः वनस्पति और जंतुओं के उत्पाद का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, और उनको क्या है, एक तैयार माल के रूप में आगे पहुंचाया जा सकता है। जैसे खाद्य संसाधन है तो अलग अलग प्रकार के जो खाद्य अनाज हैं जो कृषि से प्राप्त होते हैं उनका उपयोग करके इस उद्योग की आपूर्ति की जाती है। वनस्पति तेल है, जो तेलीय फसलें होती हैं उनके द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है वनस्पति तेल, और इस उद्योग का वह आधार रहता है। सूती वस्त्र के बारे में हमने पढ़ा था, कपास इस उद्योग का आधार रहता है, ठीक है। डेयरी उद्योग जो है वह पूर्णतः क्या है, पशुपालन वाले जो कृषि का ही एक भाग होता है उस पर आधारित रहता है। चरम उद्योग भी क्या है, पशुओं पर आधारित उद्योग है। तो वनस्पति और जंतु उत्पाद पर आधारित जो उद्योग होता है या कच्चे माल के रूप में कृषि के जो चीज़ों का उपयोग किया जाता है वह कृषि आधारित उद्योग रहते हैं कच्चे माल के अंतर्गत। सेकंड अपना रहता है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग,
खनिज आधारित उद्योगों की बात करें अपने तो प्राथमिक उद्योग है यह, जो खनिज ऐशकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, यानी इसमें कच्चा माल क्या होता है, खनिज ऐशक। कच्चा माल के रूप में जो खनिजों के ऐशक का उपयोग किया जाता है वो उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। आगे इनकी विशेषता की बात करें तो ये जो उद्योग होते हैं वो उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं जो इन उद्योगों के उत्पाद होते हैं। ऐशक से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योगों का उत्पाद रहता है। यह कई तरह अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे भारी मशीनों या भवन निर्माण उद्योग जो है, या भारी मशीनों को बनाने का है, रेल के डिब्बे बनाना, रेल डिब्बे या पटरी, यह क्या है, खनिज आधारित उद्योग है पूर्णतः। इसमें एक बात कही गई है कि यह अन्य उद्योगों के लिए क्या है, एक प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, आधारित उद्योग रहते हैं इसके ऊपर। कैसे, जैसे मान लीजिए खनिज ऐशक का उपयोग किया जाता है, लोहे ऐशक को शुद्ध करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। अब जो मशीनें बनाई गई हैं उनका उपयोग हमने अन्य उद्योगों में भी करते हैं, ठीक है। तो एक आधार पर क्या है, जो कार्य इस उद्योग में पूरा हुआ है वही आधार बनता है अन्य उद्योगों का, ठीक है। इसीलिए यह क्या है, आधार का कार्य भी करता है अन्य उद्योगों के लिए भी। इसमें जो हमारा तीसरा रहता है समुद्र आधारित, तो साधारण सी बात है समुद्री जीवों मत समुद्र आधारित उद्योग जो क्या है, समुद्री सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल इसके उदाहरण हैं, यानी समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल इसके एग्जाम्पल रहते हैं। साधारण सी बात है जो उद्योग के हैं समुद्र पर आधारित रहते हैं उन उद्योगों के अंतर्गत यह भाग आते हैं। चौथा जो अपना था वानिकी या वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योगों की बात करें तो इसमें वनों के प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे लुगदी कागज के लिए नॉर्मल सी चीज़ है, कागज का निर्माण जो है वो वनों के ऊपर ही आधारित है। औषध रसायन फर्नीचर भवन निर्माण ठीक है, या भवन निर्माण में वनों से संबंधित उद्योग, ठीक है, भवन निर्माण में भी जो चीज़ें वनों से प्राप्त की जाती हैं वह है। तो यह क्या है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत क्या है ये चार भाग रहते हैं, चाहे वो कृषि पर आधारित हों और चाहे वो खनिज पर आधारित रहे हों, चाहे समुद्र पर और चाहे वन आधारित उद्योग रहे हों। तो यह पहला प्रकार रहता है हमारे पास वनों के वर्गीकरण में। नेक्स्ट जो हमारा भाग रहता है वह है आकार के आधार पर, जिसके सिर्फ दो ही भाग हैं,
आकार के आधार पर उद्योग, पहला लघु या कुटीर उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं। अब जो आकार के आधार पर उद्योग है, उसमें आकार उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। यानी साइड में एक चीज़ पहले नोटिस कर लेते हैं अपने कि आकार का मतलब क्या है। ऐसे नहीं है कि फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी जगह में लगाई है इसलिए वह बड़े आकार का उद्योग है। इसमें जो तीन महत्वपूर्ण भाग रहते हैं आकार को जांचने के, वो तीन क्या हैं? एक तो पूंजी की राशि, ठीक है, यह एक मुख्य फैक्टर रहता है। इसके अलावा नियोजित लोगों की संख्या, नियोजित लोगों की संख्या दो, एक नंबर बात करें। तीसरे नंबर के भाग जो है उसमें, उस उद्योग में उत्पादन की जो मात्रा है, उत्पादन की मात्रा वह कितनी है। तो इस आधार पर क्या है, उद्योगों को आकार के आधार ऊपर बांटा जाता है इन तीन चीज़ों के बेस बनाकर। उसमें पूंजी कितनी ज़्यादा मात्रा में लग रही है, उसमें नियोजित लोगों की संख्या कितनी है और उत्पादन की मात्रा कितनी है, इस आधार पर अपने उद्योगों को बांटेंगे। तो जो पहला है लघु आकार के उद्योग है और वृत्ताकार के उद्योग है, उसमें पहले की बात करें, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, दस्तकार कार्य करते रहते हैं, दस्तकार कार्य करते हैं, चीज़ों का निर्माण करते हैं। दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है, जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बर्तन बनाना, ठीक है, या फिर अन्य हस्तनिर्मित कुटीर उद्योग, ठीक है, जो भी अन्य हस्तनिर्मित कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखें, इसके अंदर जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग क्या हैं, उनमें पूंजी कम लगाई जाती है, यानी इसमें पूंजी निवेश क्या रहता है, कम रहता है। दूसरा, श्रम संख्या या नियोजित लोगों की संख्या क्या होती है, कम होती है। उत्पादन भी क्या है, कम व छोटे स्तर पर होता है, छोटे स्तर पर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपने वृत्त उद्योगों की या बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है, उनमें क्या होता है, उत्पादन बड़े पैमाने पर या बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है किसी भी चीज़ का, पूंजी का निवेश बहुत होता है और श्रम व नियोजित लोग की संख्या भी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा किसके मुकाबले, लघु उद्योगों के मुकाबले, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इस प्रकार का सिस्टम रहता है कि जो अपने दो प्रकार हैं उद्योगों के आकार के, उसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ तीन चीज़ें हैं, उसके आधार पर डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा लघु उद्योग है और कौन सा वृत्त उद्योग है। पहले के अंदर जिसमें पूंजी कम लगती है, श्रम करने वाले लोगों की संख्या यानी मेहनत करने वाले जो उसमें निर्माण कार्य में लगे होते हैं, उत्पादन कार्य में, उनकी संख्या कम होती है, उत्पादन बहुत छोटे स्तर पर या कम ही होता है,
नेक्स्ट अगर वरीत उद्योगों की बात करें तो उत्पादन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे किया जाता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो श्रम में या मेहनत में लगे हुए या उस उद्योग से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यह हमारा द्वितीय प्रकार रहता है। सेकेंड हो गया अपना, थर्ड जो प्रकार है उद्योगों को बांटने का यानी स्वामित्व के आधार पर, उसको पढ़ लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, ठीक है, इसमें देखो निजी सबसे पहला जो भाग था निजी स्वामित्व वाला। अगर निजी की बात करें तो एक या एक से ज़्यादा लोगों का समूह है किसी उद्योग को संभालता है, किसी उद्योग के वो मालिक है, तो या संचालन जो है वो एक या एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जा रहा है, वह उद्योग क्या कहलाएगा? निजी स्वामित्व का उद्योग कहलाएगा, जिसमें क्या है, एक व्यक्ति स्वामित्व संभालता है, उद्योग का संचालन करता है, या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति क्या है उस उद्योग का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना रहता है सार्वजनिक, द्वितीय क्या रहता है अपना सार्वजनिक जो प्रकार है उद्योग का, उसके अंतर्गत क्या रहता है, जो सारा नियंत्रण है वो जो स्वामित्व है, नियंत्रण व संचालन, संचालन किसके द्वारा रहता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसका संचालन और नियंत्रण, उसका स्वामित्व भी किसके अंतर्गत आता है, सरकार के अंतर्गत आता है, वो उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो अच्छे उदाहरण है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके अच्छे उदाहरण हैं। अभी जो नेक्स्ट है अपना उसकी बात करें तो संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में जो स्वामित्व रहता है और संचालन रहता है वो राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा रहता है, राज्य सरकार प्लस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, यानी सरकार का और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, व्यक्ति है कोई या व्यक्तियों का समूह है, उनके द्वारा अगर संचालन किया जाता है, स्वामित्व किया जाता है, तो वह संयुक्त क्षेत्र के स्वामित्व का उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट है अपना सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत बात करें अपने तो स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों या कामगारों, कच्चे माल के उत्पादक पूर्तिकार कामगारों यानी स्वामित्व किसके हाथ में रहता है, चाहे वो कच्चे माल के उत्पादन करने वाले हैं, पूर्तिकार हैं या कामगार हैं, या दोनों का क्या है, जब स्वामित्व रहता है तो वह सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो यह उद्योगों का वर्गीकरण हमने देखा चैप्टर नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें उद्योगों का वर्गीकरण 3 आधार पर हमने किया, जिनके अलग अलग पार्ट्स को अपने डिटेल में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके ऊपर प्रभावित कारणों और बाकी जो अध्याय के
अंश रहते हैं उनको कवर करेंगे, चाहे वो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, चाहे औद्योगिक तंत्र हैं, चाहे औद्योगिक प्रदेश हैं।